आरा नगर निगम के गेट पर सफाई कर्मियों एवं निकाय कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि 3 HR मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सफाई कर्मियों से जुड़ी मांगे शामिल हैं। मौके पर संबोधित करते हुए अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। नगर निगम हमेशा ही फेलवर रहा है और जो सफाई कर्मी हैं उनका शोषण करते आ रहा है। वहीं भाकपा माले नेता दिलराज प्रीतम ने कहा कि यहां पर मेयर से लेकर और डिप्टी मेयर तक हैं, सारे लोग जो हैं उनको समान नजर से नहीं देखते और हमेशा इनको प्रताड़ित किया जाता है सफाई कर्मियों को। वहीं दूसरी तरफ गोपाल नेता ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे सफाई कर्मी भी चले जाएंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। आज बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन का कार्यक्रम है। यह जो कार्यक्रम है कि आरा शहर के जो सफाई कर्मी मजदूर हैं उनका न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 500 रुपया करने, EPF के पैसे में जो गड़बड़ी हो रही है उस पैसे को ये नगर निगम बंदरबांट कर रही है। इसके अलावे इन सफाई कर्मियों से कम मजदूरी में 2 पाली में काम करा रहे जो फरमान है उसको वापस लेने का सवाल, इन सवालों को लेकर के आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और इन कार्यक्रम को समर्थन में भाकपा माले है। और हमें कहना चाहते हैं कि जो नगर निगम है, नगर निगम सफाई कर्मी मजदूरों से मनमाने तरीके से व्यवहार करती है। जो इनका जो वेतन है, जो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है और ज़बरदस्ती इनसे 2 पाली में काम कराया जा रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर के फिर शाम में भी काम कराया जा रहा है, लेकिन उस काम का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इनके सवालों को लेकर जो कार्यक्रम है तो हमें कहना चाहते हैं कि अगर काम करा रहे हैं 2 पाली में तो इनका वेतन भी बढ़ाना होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपको न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 600 रुपया देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन के जरिए आज एक सूत्रिक मांग है, अगर इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ये बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की दिशा में बढ़ेगी और भाकपा माले इनके आंदोलन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ेगी और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। दिलराज प्रीतम, भाकपा माले नगर से।